सनकी अखड़ बेबाक और मुंहफट, ये वो शब्द हैं जो एक्टर राजकुमार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। राजकुमार अपने दौर के वो एक्टर थे जिन्हें फिल्मों में अपनी रोबीली आवाज़ और दमदार डायलॉग्स के अलावा उनकी तुनक मिजाजी के लिए भी जाना जाता था। विलेन पर हावी रहने वाले राजकुमार अपने को एक्टर्स को भी कई बार अपनी बातों से लाजवाब कर दिया करते थे। वो बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से थे जो असल जिंदगी में भी मजाकिया, स्पष्ट और हाजिर जवाबी थे। बिना लाग लपेट अपनी बात कहने वाले, फिर चाहे सामने गोविंदा हो या धर्मेंद्र, उनके साथ काम करने वाले एक्टर्स भी उनके इस अंदाज से वाकिफ थे। इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी के कुछ मजेदार किस्से आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले से, जब बदबू की वजह से फिल्म छोड़ दी थी उन्होंने। जंजीर ने अमिताभ बच्चन को रातों रात स्टार बना दिया था, लेकिन अमिताभ डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की पहली पसंद नहीं थे। प्रकाश मेहरा राजकुमार को फिल्म में लेना चाहते थे। वो स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास पहुंचे, उन्हें अपनी दिल की बात बताई, लेकिन राजकुमार ने जो जवाब दिया उससे उन्होंने साबित कर दिया एक बार फिर कि उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा बताया जाता है कि राजकुमार ने उनसे कहा, तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है, हम फिल्म तो दूर, तुम्हारे साथ एक मिनट और खड़ा होना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जंजीर में राजकुमार नहीं थे। दूसरा किस्सा है नाम में क्या रखा है। राजकुमार की कुछ मज़ेदार आदतें भी थीं, जैसे वो अपने साथी कलाकारों को उनके असली नाम से नहीं बुलाते थे। जैसे वो धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र कहते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि राजकुमार ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि इस बात पर उन्होंने जवाब दिया कि राजेंद्र या धर्मेंद्र या जितेंद्र या बंदर, क्या फ़र्क पड़ता है, राजकुमार के लिए सब बराबर है। तीसरा किस्सा, जीनत अमान को फिल्मों में ट्राई करने की सलाह दे दी थी उन्होंने। कब, ये जानकर आप हंस पड़ेंगे। राजकुमार के किस्सों में सिर्फ एक्टर्स ही नहीं बल्कि एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं। ऐसा ही एक मज़ेदार किस्सा जीनत अमान के साथ हुआ था। वो तब जब वो टॉप एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में आ चुकी थी, एक फंक्शन में राजकुमार जीनत से मिले तो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने जीनत से ऐसे देखते हुए कहा कि जानी, शक्ल सूरत से तो माशाल्लाह लगती हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। जीनत अमान ने इसके जवाब में क्या कहा यह आज तक पता नहीं चल सका। चौथा किस्सा, बप्पी लहरी का मंगलसूत्र। बप्पी लहरी को कौन नहीं जानता, सोने से लदा आदमी, उसकी फोटो दिमाग में आ जाती है जैसी बप्पी लहरी बोलते हैं। वो भी राजकुमार के ह्यूमर के शिकार हो चुके हैं। एक बार किसी पार्टी में राजकुमार और बप्पी लहरी पहली बार मिले। राजकुमार ने उन्हें देखा और कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने, बस मंगलसूत्र की कमी रह गई। अगला किस्सा गोविंदा से जुड़ा है, गोविंदा की शर्ट का रुमाल। हाँ, क्या है किस्सा, गोविंदा और राजकुमार का भी एक मज़ेदार ये किस्सा है। जब वो दोनों फिल्म जंगबाज के सेट पर थे, शूटिंग चल रही थी, गोविंदा घर से जो शर्ट पहनकर आए थे उसे देखते ही राजकुमार ने उनकी तारीफ की। अब ये सुनकर गोविंदा ने कहा कि सर, अगर आपको शर्ट इतनी पसंद आ रही है तो आप ही से रख लीजिए। राजकुमार ने शर्ट ले ली। ऐसा बताते हैं कि दो दिन बाद गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उनकी शर्ट का रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। अगला किस्सा, अपने कुत्ते को जब उन्होंने फिल्म ऑफर की थी। 1968 में फिल्म आई थी आंखें। डायरेक्टर थे रामानंद सागर और हीरो थे धर्मेंद्र। डायरेक्टर राजकुमार को फिल्म में लेना चाहते थे। डायरेक्टर उनके घर पहुंचे और फिल्म की कहानी सुनाई। राजकुमार ने अपने पेट डॉग को आवाज़ लगाई और उससे पूछने लगी कि क्या वो इस फिल्म में काम करेगा। ऐसा बताया जाता है कि जब कुत्ते का कोई रिएक्शन नहीं आया तो राजकुमार ने रामानंद सागर से कहा, देखा, ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। रामानंद सागर वहाँ से चले गए और फिर दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। इस वीडियो में जितने भी किस्से हमने आपको बताए हैं उनमें से कुछ किस्से खुशदीप सहगल के ब्लॉग देशनामा से संभार लिए गए हैं। आपको ये बॉलीवुड किस्से कैसे लगते हैं सुनने में, ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। और अगर ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बिल्कुल लल्लन टॉप पर बने रहिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं हमारा पेज लाइक कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो सोचिए मत, दी लल्लन टॉप की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। शुक्रिया।